और पूरे शीशे से नक्काशी एकदम बहुत बढ़िया मंदिर बना है। ऐसा तो हम कभी देखे नहीं थे, पहली बार कृष्णगिरी टेम्पल देखने जा रहे हैं। माँ पद्मावती का जो है कि शक्तिपीठ मंदिर है, वहाँ पे जा रहे हैं। इस समय मैं बेंगलोर में हूँ और पता मैं बताती हूँ कि मैं कहाँ से जाऊँगी, लिखा रहेगा। और यहाँ से हम लोग कृष्णगिरी के लिए निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। गाड़ी वाला जो भी ओला बुक करा रहा है सब कैंसिल कर दे रहे हैं। एक देखिए वो आए हैं, उनका कि वो जाएंगे कि क्या करेंगे, वो लड़के हैं उसमें सब बात कर रहे हैं, यहाँ सब कैंसिल ही कर दे रहा है। तैयार हो गए क्या ये? कितना में भैया? चौथी बार में आप आए हैं, चौथी बार में सब लोग कैंसिल ही कर दे रहा है। नहीं नहीं समझ रहा है, एक आदमी चल सकता है। एक आदमी चल सकता है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। एसी चालू कर दीजिए। यहाँ से हम लोगों का सफर चालू हो गया। ये वाला टेंपल नहीं हुई ना, ये वाला जगन्नाथ टेंपल है। तो कितना बढ़िया है, कहाँ हम लोग गए थे यहाँ? हाँ वही ना बोल रहे हैं। हाँ एक ये बिल्डिंग हुई ना, गेट। अच्छा ये गेट क्या है भैया? ये ना कर्नाटक का बॉर्डर है। ओ इधर से तमिलनाडु। तमिलनाडु आ गए हम लोग तमिलनाडु में। सभी ड्राइवर का यहाँ चेक होता है ना, वही है आंध्र में। ये तो दूसरा राज्य है। हाँ अलग राज्य। ये वो मंदिर शायद दिखाई दे रहा है क्योंकि हम भी पहली बार आ रहे हैं, देखते हैं जाकर। वही है, वही है ही है लग रहा है। हाँ वही है क्योंकि ऐसा मंदिर तो कहीं उधर दिखाई नहीं, लोकेशन यही बता रहा है। कृष्णागिरी माँ पद्मावती टेम्पल पहुँचने वाले हैं थोड़ा देर का, और कुछ मिनट का और है। टेक द नेक्स्ट राइट देन टर्न लेफ्ट। माता रानी की कृपा है कि यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। हाँ चिपकाने वाला घर भी। टेक द नेक्स्ट लेफ्ट देन योर डेस्टिनेशन। उधर भी जो है कि गाड़ी आया है, वहाँ पे देखिए पार्किंग है, पार्किंग है। उधर मुँह हाथ जिसको धोना है उधर किनारे में ही लगा है, बना हुआ है, धोकर तब इधर आना है। वहाँ से मुख्य द्वार जाने का रास्ता है मंदिर में माँ पद्मावती के। इस तरह से हम लोग भी यहाँ तक आ गए हैं। बहुत महीनों से क्या साल भर से जो है कि इंतज़ार था। मंदिर भी बन रहा है थोड़ा ना।
सबसे पहले ही देखो कमल का वो बना है, कमल का चित्र, कमल का फूल। चल ना काली पन्ना ऊपर क्या लिख हां சரி சரி बाकी ना फोन பண்ண இப்போ நீங்க எங்க இருக்கீங்க நான் உள்ள வாங்க உள்ள வா ஆமா சமிதி செல்ல பக்கம் வாங்க என்ன பண்றாய் இது வந்து சமிதி செல்ல கிட்ட வந்து என்ன பண்றீங்க அங்க பக்கத்துல நில் நான் வரேன் ठीक है नया नया बनना है ना ये सब चलो अंदर तो ये माँ पद्मावती माता का मंदिर है और इसमें जो है कि पार्श्वनाथ जी का है जो कि जिनका जन्म बनारस में हुआ है और ये देखिए नया बन रहा है बहुत भव्य मंदिर अंदर जा अंदर कैमरा ले जाने के लिए नहीं है ये तो अंदर का दिखाते और पूरे शीशे से नक्काशी एकदम बहुत बढ़िया मंदिर बना है ऐसा तो हम कभी देखे नहीं थे पहली बार देखे हैं यहाँ पर ऐसा मंदिर अब आगे देखते हैं आगे भी एक दो मंदिर है वहाँ पर देखिए कैसा है ये भी बन ही रहा है थोड़ा सब चित्र है सब गुरु जी का है ये पूरा पोस्टर लगा है ये डॉक्टर जी की पसंद भी थे महाराज जी का फोटो है जिनके पूजा साधना से माँ पद्मावती मिली थी ये मुद्रा है चलो भव्य फोटो लगा है इतना बड़ा बड़ा गुरु जी का ये मंदिर है यहाँ पे हम लोग जाएंगे इसको इसके अंदर देखेंगे कि क्या है हाँ आइए हो यार अकेले ही हो यार ये है अच्छा इधर भी रास्ता है कुछ ये मंदिर है इसमें हम जाएंगे देखने के लिए रुक जा देखो इधर क्या इधर तो वापस आने का है नहीं कुछ और टेंपल है ये अच्छा ये देखो ये तो हम ये है कितना बन रहा है ये वाला कितना मस्त है ना ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है यहाँ पे पूरा हर एक चीज की मूर्ति है ये है भैरव देव भैरवी के भैरवी माँ के गोद में लिए बैठे हैं और उधर है दुर्गा जी हैं सरस्वती माँ हैं सब इधर गणेश भगवान जी हैं नरसिम्हा नरसिंह राम हैं और देखिए ऊपर से बुद्ध जी का बुद्ध जी गौतम बुद्ध हाँ ये कितना अच्छा बन रहा है पहली बार हम आए लेकिन हम दोबारा भी आएंगे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है चलो चला जाए टाइम मंदिर है कौन सा मंदिर ये वाला रथ जैसा जो है ये रथ वाला मंदिर क्या लिखा है त्रिनेत्र पद्मावती देवी मंदिर क्या लिखा है त्रिनेत्र पद्मावती अच्छा त्रिनेत्र माता चलो वो वाला देख क्या दिखा है आगे एक ठो मंदिर है यहाँ पे पवित्र मंदिर है दर्शन गुरु जी की फोटो लगी है इधर नहीं जाना इधर से यहाँ पे बस यहाँ तक आना है अलाउ है इसके बाद उधर उधर जाना मना है उधर साइड यहीं तक आकर देखने के लिए अलाउ है आगे जाने के लिए उधर साइड मना है मना है उधर कोई नहीं जाता है हम लोग भी यहीं से देखकर वापस हो रहे हैं ये यात्रिक भवन है कुछ टाइप से यात्रिक भवन है उसमें पता करना होगा ये रुकने के लिए है सर यहाँ पे खाना खाने के लिए भोजनालय है जहाँ पे 80 रुपये का एक प्लेट खाना है चाहे जितना खाना खाइए यहाँ पे सभी यात्री और जो भी आता है दर्शन करने अब हम लोग वापस जा रहे हैं मंदिर देखकर दर्शन भी हो गया और पूरा चारों तरफ से हम लोग पूरा देखे हैं मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन जो है कि अंदर फोटो तो खींचना मना है इसलिए हम लोगों ने नहीं खींचा है देखिए अभी तक बंद रहा है हम लोग को तो बहुत अच्छा लगा है
पूरा दर्शन वर्शन अच्छे से कर लिए, घूम लिए, खाना भी खा लिए। हाँ, मेन रूट पे हम लोग आ गए हैं। अभी मेन कमियन नहीं, जैसे कि मंदिर से मेन आ गया है, अब इसके बाद ये कार रोड है, अब इसे घूम कर हम लोग अपने रोड पे जाएंगे जिधर से हम लोगों को जाना है। हाँ, इस एरिया का नाम है मरथली, जहाँ से हम लोग गए थे, जहाँ पे रुके हुए हैं हम लोग। कृष्णागिरी से वापस आ गए हैं, बस 5 मिनट का हो सके कार।